मानयोग हाई कोर्ट वालों वड्डा फैसला दिंदिया 250 तो ज्यादा पिंडां दीआं पंचायती चोणां रद्द करवा दित्तियां गईआं ने। बीजेपी ने संबंध विच वड्डे सवाल खड़े कीते ने। उन्हां कहा आम आदमी पार्टी की सच्चाई सामने आ चुकी है, सारिया ही पंचायती चोणां रद्द करके मुड़ तो हाई कोर्ट की निगरानी हेठ चोणां करवाउण की मांग की गई है। दस दिए कि पंजाब भर में 15 अक्टूबर को पंचायती चोणां होण जा रही ने, पर इसे विचाले मानयोग हाई कोर्ट वालों वड्डा फैसला सुनाया गया। पटीशन आने वाले तकरीबन 250 के करीब पिंडां दे विच पंचायती चोणां रद्द कर दित्तियां गईआं ने। इस नूं लै के हुण विरोधी पार्टियां ने पंजाब सरकार नूं घेरना शुरू कर दिता है। लुधियाना लाइव लई सुरिंदर सोनी की रिपोर्ट। और पंजाब सरकार नूं बड़ी लताड़ मारी है, लगभग 250 तो वध पंचायतों की उन्होंने चोणां नूं जिहड़ा हैगा रद्द कर दिता। अज आम आदमी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोकतंत्र के हत्यारे बन गए। और मैं समझदा जे थोड़ी जी भी गैरत इन्हां आम आदमी पार्टी दे विच होवे, मुख्यमंत्री समेत पूरी वजारत नूं रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। किस तरीके दे नाल देखो जिहड़ियां पंचायतां होंदियां ने वो साडी नीह होंदी है लोकतंत्र की, और जो तुसीं नीह नूं ही खाण लग पोगे तो किहड़े लोकतंत्र की इमारत खड़ी करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल तो लग के संतरी मंत्री सारे सवेर तो लग के शाम तक लोकतंत्र की दुहाई देंगे ने। लोकतंत्र तुहाडा क्या यह लोकतंत्र तुसीं लोगों के सामने पेश करना चाहते हो? लोगों ने तुहानू नकार दिता, पिंडां च तुहानू वड़न नहीं देंदे, शहर च तुहानू वड़न नहीं देंदे, सरकार पूरी तरह फेल हो गई। तो इस तरीके अपना पंच और सरपंची के उत्ते हथियाना चाहोगे, धक्काशाही करोगे, फिल्म सी ग्राउंड के उत्ते लोगों के पेपर रिजैक्ट करोगे, मतलब इत्थे तक ते होर ते होर इत्थे तक कि जिथे महिला वास्ते रिजर्वड उत्थे आदमी सरपंच यूनानिमसली बना दिता कह के धक्के नाल, और जिथे आदमियों वास्ते रिजर्व उत्थे महिला कर दिता। क्या मजाक बना के रख दिता सारे तंत्र का? मन बड़ी पीड़ा होंदी है। और भारतीय जनता पार्टी की मंग करती है कि सारिया दी सारिया पंचायत चोणां नूं रद्द किया जाए, और मुड़ तो सारे प्रोसैस नूं निरपक्ष तरीके नाल चलाउण वास्ते हाईकोर्ट की मोनीटरिंग के अंडर ये चोणां होनी चाहिए ने, ता ही निरपक्ष चोणां जिहड़ियां कि पंचायतें दी हो सकदियां ने। आम आदमी पार्टी के राज दे विच ये उम्मीद हुण खत्म हो गई कि किसी तरीके दी निरपक्ष चोणां हो सकदियां ने, लोगों नूं उहदा हक मिल सकदा। जितना ना जितना व्यक्ति का काम है, वोटां पाणियां लोगों ने पाणियां ने, उहदे बेस ते कोई बंदा जितेगा, लेकिन धक्के नाल तुसीं अपने पंच सरपंच बनाओगे ये बहुत ही मंदभाग है। और असीं समझदे हां कि ये मोरल रिसपोंसिबिलिटी लैंदे हुए मुख्यमंत्री और उसकी पूरी कैबिनेट को इमीजिएटली रिजाइन कर देना चाहिए, जिस तरीके स्ट्रिक्चर्स हाईकोर्ट ने पास किए ने। इस तो माड़ी स्ट्रिक्चर्स किसी लोकतंत्र के किसी सरकार के उत्ते नहीं हो सकते, उसकी कार्यप्रणाली नहीं हो सकते। मोरल रिसपोंसिबिलिटी लेंदे हुए पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना चाहिए, और जी चोणां जी है उन्होंने इमीजिएटली रद्द करके निरपक्ष तरीके चोणां होनी चाहिए। नाल मैं एक चीज़ होर करनी चाहवांगा, जिहड़े अफसरां ते दबाव पाते जड़े जड़े अफसर इस गिल्टी ने, जड़े दबाव थले आए ने, उन्होंने कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए है, ताकि अगे तो कोई भी अफसर किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव थले, मैं ABC की नहीं गल करता, क्योंकि अफसर का काम है कि उस चुनाव को निरपक्ष कराना। तो जे अफसर ही राजनीतिक दबाव थले आके काम करेंगे तो किहड़ा लोकतंत्र बचेगा? तो इस करके जड़े अफसर इस गिल्टी पाए जान, दोषी पाए जान, उन्होंने तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, नौकरियों कढ़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र ना घाण किया, लोगों का विश्वास ना घाण किया, और डेमोक्रेसी के सब तो वड्डे नींह पत्थर के नाल घाण किया, और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर यह कहा जा रहा कहते भी होर भी कहते कि जी पटिशन जी सामने आ गई हूँ, तो जिम्मे 270-250 के करीब है, कहते 300-400 कहते जो होर आने भी आ सकती। मैं तो कह रहा जी ये तो वो लोग ने 250 जे उ हाईकोर्ट पहुँच गए ने। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना लुधियाने की जी, लुधियाने के साडे एक मित्र का पेपर इस करके रिजैक्ट कर दिता कि RO कहता जी मैं BDP को क्लैरिफिकेशन मंगी से क्लैरिफिकेशन नहीं आई। इस उम्मीदवार का की कसूर है? उम्मीदवार ने तो क्लैरिफिकेशन नहीं लैनी किसी इशू के उत्ते, तो उस RO की जिम्मेवारी बनती है कि BDO को क्लैरिफिकेशन लेंदा, और सही है गलत जो भी होंगे वह नतीजा होंगे। सिर्फ इस करके पेपर रिजैक्ट करते हैं कि BDO ने जी हजे मैं मेल पाई से जवाब नहीं आया, मैं पेपर रिजैक्ट कर दा। सर कहना मतलब कह सकते कि होर भी पिंड जो सामने, मैं समझदा इस पूरी का पूरा जरा जी चुनाव प्रक्रिया हुई है पंचायतों की, ये पूरी विशेटेड है,
धक्केशाही का एक प्रमाण सब के सामने है। सारी प्रक्रिया रद्द किया जाना चाहिए और इतने तक भी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जो मूक दर्शक बन के बैठा है भारतीय जनता पार्टी के रिप्रजेंटेशन रोज जा रहे हैं उन्होंने मिलने वास्ते अकाली दल के जा रहे हैं कांग्रेस से जा रहे हैं तो फिर भी चुन उसके कंध तो जू नहीं रहेगी क्या यह है वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी निभा रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन वो आम आदमी पार्टी का तोता बन के रह गए हैं उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे जिन्हें भी दोषी पाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की मंग है और सारे चोणा जी दोबारा